आप शुरू करिए। नमस्कार, मैं प्रज्ञा पांडे, महानगर महामंत्री, मैं जनरक्षा में हूँ। अभी वर्तमान में मेरा चुनाव महिला मोर्चा की से मुद्दे को देखिए। अभी जैसे हमारी क्षेत्रीय अध्यक्षा ने बताया कि बहनों की आपको निकाल लिया गया है, काशी विकास की ओर अग्रसर है, काशी विकास हो रहा है, तो पार्षद के रूप में हमारी जितनी प्रत्याशी है यहाँ सब वार्ड है, और सब वार्ड में लगभग पहले के जो प्रत्याशी जो थे वो भी उन्होंने भी भरपूर काम किया है, और अभी जो प्रत्याशी है वो भी पूरी पूरी जिम्मेदारी से काम करेंगे। इसलिए अभी हमारे पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो हमारे प्रत्याशी नहीं कर सकते हैं या सरकार से भी नहीं कर रही है। महिलाओं की तो समस्या भैया रही नहीं गई है। अगर हम महिलाओं की समस्या की बात करें, सबसे पहला क्या होता है, सुरक्षा और शिक्षा, जो कि अभी जब से हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और जब से हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, योगी आदित्यनाथ जब से आए हैं, तब से हम महिलाओं की जो समस्या थी मूल रूप से वो सुरक्षा थी और शिक्षा थी, वो दोनों ही सॉल्व हो गई है। आज के डेट में हमारी कोई बहनें बिल्कुल निडर होकर के कहीं भी जॉब कर रही हैं, बिजनेस कर रही हैं, तो मेरा जो भी कर रही हैं आ जा रही हैं, उनको कोई भी असुरक्षा की भावना नहीं कर रही है कि मैं कहीं जाऊंगी तो कुछ हो जाएगा। और एक बार शिक्षा की तो हमारी जितनी भी बेटियां हैं वो सब आराम से कॉलेज जा रही हैं, आ रही हैं, और हमारे मुख्यमंत्री जी इससे विशेष ध्यान दे रहे हैं। पहले तो मैं कुसुम सिंह पटेल एक उदाहरण हूँ कि बिना मांगे टिकट मिला, और महिलाओं के लिए तो आप देखेंगे केंद्र से लेकर राज्य तक जितनी योजनाएं महिलाओं की बनी है, सब में भागीदारी मुख्य महिलाएं हैं। आगे भविष्य में जो योजनाएं माननीय मोदी जी है योगी जी के नेतृत्व में आ रही है, महिलाओं की भागीदारी 50% से कम नहीं होगी, जैसे मुझे विश्वास है। आप नहीं रह गई जैसे कि लड़कियां पहले डरती थी, हम लोग भी डरते थे, रात में निकलने से डर लगता था और घर के लोग रोकते भी थे, तो मतलब दोनों तरह से हम लोगों को मिल रहा है सपोर्ट, समाज से भी और परिवार से भी और सरकार से भी, कि हम महिलाएं समाज में आगे बढ़ रहे हैं।